दोस्तों शाहरुख खान जवान के चेन्नई पहुंचे, जिसके स्वागत करने के लिए शाहरुख खान के फैंस देश भर से काफी ज्यादा तादाद में पहुंचे और किंग खान का जमकर स्वागत किया है। वहीं शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान ले बाद जवान से पूरे बॉलीवुड को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। जवान किंग खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने के साथ ही सबसे महंगी फिल्म भी है, जिसको साउथ के बड़े डायरेक्टर एटली ने बनाया है और पहली बार शाहरुख खान को साउथ डायरेक्टर रहे हैं। दोस्तों दूसरा जवान के पास शाहरुख खान और उसका स्टारडम है। किंग खान नाम ऐसे ही किंग नहीं रखा गया, इस बंदे की हॉलीवुड में अच्छी खासी फैंस फॉलोइंग है। दोस्तों जवान का एक और पावर हाउस है जिसकी लोग अभी बहुत कम बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देखने के बाद आप उनके भी फैन हो जाओगे। हम बात कर रहे हैं जवान के म्यूजिक बनाने वाले अनिरुद्ध की, जो अपनी दमदार BGM से किसी भी फिल्म में जान डाल देते हैं। दोस्तों ये लोग जवान को 1000 करोड़ की फिल्म आसानी से बना सकते हैं और ये फिल्म पठान से काफी ज्यादा बड़ी हिट होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर जवान किसी भी तरह पठान का रिकॉर्ड तोड़ देती है तो डंकी के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाएगा और लगातार एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर देने वाला शाहरुख खान पहला ऐसा स्टार बन जाएगा। जवान साउथ में भी बड़ी धूम मचा रही है और हिंदी में तो कोई फिल्म इसके आसपास भी नहीं है। विजय के फैंस जवान को साउथ में जमकर सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार पठान का रिकॉर्ड टूट ही जाएगा। दोस्तों जवान को लेकर साउथ और बॉलीवुड दोनों ही जगह बहुत बड़ा क्रेज है। आज से पहले किसी बॉलीवुड फिल्म में इतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जवान को साउथ वाले भी पूरा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। जवान भी बहुत बड़े बजट की फिल्म है और इसका हाइप क्रेज फिलहाल बहुत ज्यादा है। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना जवान अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन करेगी, क्या ये फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है।